वेलकम टू न्यू ब्लॉग। मैं आपका भाई शुभम पोखरियाल आपको नमस्कार कहता है। क्या हाल है भाई लोगों? जय शंकर महाराज। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल है सबके? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग विद शुभम पोखरियाल। ठीक है भाई लोगों, अभी उठाऊँ, अभी 7:30 हो रहे हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। किसके बाद? फ्रेश व्रेश होने के बाद काम करते हैं, फिर आज मैच भी खेलने जाना है यार, तो थोड़ा टफ है मामला। क्या हाल है फ्रेंड्स? अभी जा रहा हूँ मैं खेलने रामनगर PNGB कॉलेज, आज मैच है, हो सकेगा तो वहाँ भी वीडियो बनाऊँगा। जैसे भी होता आपको वहीं मिलते जाके, है ना भाई? अभी हो रहा आपका टाइम 9:23, तो अभी मिलते हैं आपको ब्रेक के बाद। अभी तैयारी व्यारी कर रहा हूँ मैं, मैच खेलना है टाइम पास, और ये पेंट हो रहा है, और इस रूम में पहला कोट हो चुका है। कैसा लग रहा कलर? बढ़िया। तो आपको मिलते हैं बाद में, जब तक हमारे साथ बने रही है, ठीक है भाई लोगों? चलो मिलते हैं। उसको लेने आया था यहाँ शांति कुंज, एक तो आ गया, एक लुल तो आ गया, जिसे कहते हैं लुल। ये आ रही है, एंट्री हो रही है भाई की। हाँ तो चीनू का है आ गया, फोन कर दिया वाला। चलो ठीक है, और बताओ क्या कैसी चल रही है मॉर्निंग आपकी? मॉर्निंग आज मौसम बहुत तगड़ा हो रखा है हमारे अपने यहाँ यार। और बढ़िया बढ़िया। पहुँच चुके हैं भाई ग्राउंड पे ये चार्ल्स बाबा, पहुंच चुके हैं यहाँ ग्राउंड पे PNGBG कॉलेज, डिग्री कॉलेज रामनगर नैनीताल उत्तराखंड। गाइस जीत चुके हैं हम, 3-1 से जीत चुके हैं, 2 स्कोर मेरे से। यस भाई, फ्यूचरिस्टिक स्कूटी देखो भाई, ये जीत चुके हैं भाई, ये वाले बैठे हैं आराम को बनाते हुए बाबा, बाबा लोग हमारे टीम मेंबर्स सारे। कैसा रहा भाई मैच? नाइस वन, सर्वाइव कर लिया। नाइस भाई, हम आ चुके हैं टेढ़ा, ये देखो पीछे वादियां दिख रही हैं, ये जंगल्स हैं, सागुन की जंगल है भाई ये पूरा, है ना? यहाँ से अंदर जाएंगे अभी, सागुन ही कहते हैं ना इसे, यहाँ सागुन। आओ आओ, ये देखो जंगल के अंदर ट्रेल्स हैं, छोटी छोटी डॉल्स बनी हुई हैं, ये पूरा जंगल है। अब तुम्हें सीधे नदी में जाके मिलते हैं, कोसी नदी में ना, अभी मैच जीते, मैच जीतने की खुशी में टेढ़ा है नहाने, नहा के फिर मिलते हैं नदी में, मिलते हैं सीधे अब, ठीक है भाई? ठीक है गाइस, नदी में मिलते हैं। यहाँ आ चुके हैं टेढ़ा नदी, कोसी, ब्यूटीफुल नेचर से भरा पड़ा, क्या टेढ़ा सिस्टम। हेलो चार्ल्स भाई। हेलो गाइस,
भाई लोग वो घर पहुंच गए नहा पे, वहाँ पहले टेढ़े में नहाए, फिर उसके बाद अब घर आए, अब खाना वाना खाना है और यही मेरे लिए खाना लिया है। मम्मी क्या बोलोगे, क्या बनाया है आज? दाल और चावल। अच्छा तो खाना वाना खाते हैं, फिर थोड़ा यार पढ़ना है, पढ़ाई होगी, फिर ब्लॉगिंग होगी, फिर खेलने जाएंगे। लो ठीक है भाई। और भाई ओ क्या हाल है, खाना पीना हो गया था, थोड़ी हालत ख़राब थी पर मेरा मन नहीं था आज जो डेस्टिनेशन थी बनाने की, पर मैंने कहा भाई लोग नाराज़ हो जाएंगे जो भी देखता है यार, थोड़ी हालत ख़राब सी हो रखी है, खेल का आज मैच था तो थोड़ी चोट वोट भी लगी और मन भी नहीं था, पर मैं फिर भी नेट भी नहीं चल रहा था, फिर मैंने मम्मी से वाईफाई लेके शुरू करूँगा लिखा जो डेस्टिनेशन थी आज की जो डेस्टिनेशन है। हेलो भाइयों, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज थोड़ा यार चोट वोट भी लगी थी, आज मन नहीं कर रहा था बनाने का यार, फिर भी मैंने कहा भाई लोग नाराज हो जाएंगे तो यार बनाना पड़ेगा ना, खाना वाना खा लिया था, फिर उसके बाद नेट भी नहीं चल रहा था आज, नेट पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, वाईफाई में काम चलाया, वाईफाई से ढूंढा, नेट चला गया ना। आज के जो हमारा टॉपिक है भाई लोगों, वो है कुमाऊं रीजन का एक पार्ट है, काफ़ी ब्यूटीफुल पार्ट है पिथौरागढ़ में मुंशियारी, सबको पता होगा मुंशियारी के बारे में, जिसको नहीं पता तो आज हम बताएंगे। मुंशियारी पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है और पिथौरागढ़ आता है उत्तराखंड में, समझ गए, उत्तराखंड में है पिथौरागढ़ और मुंशियारी भी। मुंशियारी मिनी कश्मीर से भी जाना जाता है मुंशियारी, आपको बताऊं। और जो मुंशियारी है वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो स्नो कैप से भरा पड़ा होता है, जिसके आसपास जो पहाड़ियां हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, वो स्नो कैप हिमालयाज़ हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल सीनरी है, पीस है, समझ गए भाई। और एटीट्यूड जो सी लेवल से एटीट्यूड है आपका मुंशियारी का, जो मुंशियारी सिटी है वो है आपका 2,298 मीटर अबव सी लेवल, समझ गया, मतलब 2,298 अबव सी लेवल, काफ़ी ऊंचाई में यहाँ बर्फ़ भी गिरती है और यहाँ लोग हिल स्टेशन ही एक तरह का, मतलब काफ़ी दूर पड़ता था, लोग कम ही जाते हैं, मतलब जो शौकीन है बाइकर राइडर्स वो जाते हैं अपनी वेकेशन पीस में, जिनको पीस चाहिए तो ज़रूर जाना भाई, जिन्हें पीस चाहिए, मैं भी नहीं गया हूँ, जाएंगे पक्का एक दिन जब बाबा भोलेनाथ का आदेश आएगा। मुंशियारी मीन्स प्लेस ऑफ स्नो, पता क्या जो मुंशियारी का मीन्स है लिटरेसी मीन्स प्लेस विथ स्नो, मुंशियारी का मीनिंग है प्लेस विथ स्नो। वाई विजिट इन मुंशियारी हिल स्टेशन, क्यों विजिट करें आप मुंशियारी, ये बताऊंगा। मुंशियारी की जो आसपास है वो सारे आपको पता ही है, हिमालयाज़ में बसा पड़ा है मुंशियारी, उसके आसपास बहुत तगड़े तगड़े पंचचूली पीक, फाइव ग्रुप ऑफ पीक्स है, समझ गए। मुंशियारी आगे बताऊंगा पंचचूली के बारे में, और आपको सराउंडिंग जो इसकी सराउंडिंग है वो आपको नंदा देवी हिमालयस नंदकोट एंड नामिक ग्लेशियर के ट्रैक मिलेंगे आपको, वहाँ मिलन राम भी मिलेगा, मतलब वहाँ आप विजिट कर सकते हो, मतलब इसलिए आए हैं मेरा मतलब आई विजिट इन मुंशियारी, समझ गए। और फेमस ट्रैक की बात करूँगा तो नामिक ग्लेशियर वन ऑफ द ब्यूटीफुल ट्रैक इन उत्तराखंड, मतलब इतना फेमस नहीं है, जो नामिक ग्लेशियर है जिसकी रूट है वो बनी है इंडो तिब्बतन ट्रेड, जब इंडो तिब्बतन आज तो तिब्बत चाइना का पार्ट है, तो
इंडो तिब्बतन जो रूट बनी हुई थी, क्योंकि यहाँ से सामान ले जाते थे, ट्रेडिंग होती थी, वहाँ से सामान लाना और यहाँ से सामान ले जाना, तो उसी रूट पे एंशिएंट रूट है, उसी रूट पे जाना है। इसका है गोगिना, गोगिना से गोगिना विलेज है, वहाँ से इसका बेस कैंप है, गोगिना नामिक विलेज हो गया। अब जब उसके आप ट्रैक कर रहे होंगे मतलब नामिक ग्लेशियर का, तो आप वहाँ के ब्लेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना, वहाँ के ब्लेस को, वहाँ के रूलर लाइफ स्टाइल को, क्योंकि जो नामिक है वो इससे चार नामिक गांव की बात कर रहा हूँ, 4 किलोमीटर का है, रोड नहीं है नामिक गोगिना, ब्यूटीफुल नेचर से बड़ा पड़ा है भाई, बहुत ब्यूटीफुल है, इतना फेमस नहीं मुनिशहरी, पर वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस इन उत्तराखंड, मुनिशहरी। मुनिशहरी मिनी कश्मीर, नोन एज अ मिनी कश्मीर से भी जाना जाता है, आपको पता ही है। जो नामिक ग्लेशियर की हाइट है उसकी बात करूँगा तो मैं वो है 3600 meters, और काफ़ी ब्यूटीफुल ट्रैक है, मैंने इसकी ब्लॉग्स देखे, आप ब्लॉग्स भी देख सकते हो। सराउंडिंग बाय बिगेस्ट हायर हिमालयस, मतलब जो नामिक ग्लेशियर है वो सराउंडिंग बाय काफ़ी तगड़े तगड़े माउंटेंस, हाई माउंटेंस। सबसे पहले जो बात करेंगे नंदा देवी माउंट पीक, वन ऑफ हाईएस्ट पीक इन इंडिया, नंदा देवी पीक, हाइट इज 7848 meters, ये मतलब 6848 meter पे बसा पड़ा है ये नंदा देवी पीक जो है, आपको पता ही सबसे हाईएस्ट पीक है, उसके बाद किसके बाद, माउंट एवरेस्ट के बाद, समझ गए भाई लोगों। फिर उसके बाद आता है नंदकोट इज 6861 meter पे है, एंड त्रिशूल, मतलब ये हिमालय से भरा पड़ा है, मतलब इन पीक के सराउंडिंग है नामिक ग्लेशियर। आप जरूर ट्रैक करना अगर आप टाइम ट्रैकर के शौकीन हो, हम भी करेंगे इन द फ्यूचर, अभी इतना वो नहीं है कि ट्रैक करें, इतना रेवेन्यू नहीं है, मेन बात रेवेन्यू, पैसा 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 पैसा। और कुछ मैं यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करूँ, ब्रिथी फॉल, दिस इज़ फार अवे फ्रॉम मुनिशहरी सिटी टाउन, 35 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मुनिशहरी, और सॉरी मजाक से हट के, और जो ब्रिथी फॉल के जो पानी गिरता है, मतलब ऐसे पानी गिरता है, तो वो है 4400 feet ऊपर से पानी गिरता है, वन ऑफ द ब्यूटीफुल वाटरफॉल इन उत्तराखंड, समझ गए। पंचाचूली पीक के बारे में पहले बताया, पंचाचूली पीक की जो हाइट है, समझ गए, वो है 6334 meter टू 6904 meter, समझ गए, जो सी अब सी लेवल यहाँ शुरू होता है 6334 meter टू 6904 meter अब अप सी लेवल, समझ गए भाई लोगो। मंदकोट विलेज इज़ द ब्यूटीफुल विलेज इन मुनिशहरी, आप यहाँ का कल्चर देख सकते हो, यहाँ के बिलीफ सिस्टम, यहाँ के नॉर्म्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ की आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। दिस इज मुनिशहरी फ्रॉम फार अवे फ्रॉम मुनिशहरी 21 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मुनिशहरी, समझ गए भाई, ज़रूर जाना, रूरल टूरिज्म को बढ़ावा दो, है ना भाई। धारकोट विलेज इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल विलेज इन मुनिशहरी, दिस इज फार अवे फ्रॉम मुनिशहरी 9.5 किलोमीटर, ये जो धारकोट विलेज है ये 9.5 किलोमीटर है फ्रॉम मुनिशहरी, जरूर विजिट करें। महेश्वरी कुंड इज ब्यूटीफुल कुंड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा कुंड है, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हो, 10 किलोमीटर फ्रॉम मुनिशहरी, समझ गए। काली टॉप
काली टॉप इज द वन ऑफ द ब्यूटीफुल टॉप इन मुंशियारी. दिस इज 8 किलोमीटर फ्रॉम मुंशियारी टाउन. आप वहाँ से हिमालयस के व्यू ले सकते हो. ब्यूटीफुल, वन ऑफ द ब्यूटीफुल व्यूज इन मुंशियारी. आइए उत्तराखंड एक्सप्लोर करिए और उत्तराखंड टूरिज्म को प्रमोट करिए और रूरल टूरिज्म को, क्योंकि रेवेन्यू बड़े बड़े लोग तो कमा देंगे पर जो रूरल लोग हैं उनका भी एम्प्लॉयमेंट जरूरी है ना भाई, तभी प्लान रुकेगा. जो प्लान हो रहे हैं बंदे वहाँ, क्योंकि वहाँ नौकरी वोकरी तो है नहीं, वहाँ से प्लान होके यहाँ जा रहे हैं. तो रूरल टूरिज्म को ज़रूर बढ़ावा दो, सबसे ज़्यादा रूरल टूरिज्म को. नंदा देवी टेम्पल, यहाँ से मतलब नंदा देवी टेम्पल है 1.4 किलोमीटर फ्रॉम मुंशियारी. आप जा सकते हो अगर आप भगवान लोगों को मानते हो. जो नहीं मानता उसे कुछ नहीं कह सकते, है ना. ज़रूर जा सकते हो आप. यहाँ से भी काफ़ी ब्यूटीफुल पैराडाइज है मुंशियारी, समझ गए. तारमी कुंड इज़ 10 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम मुंशियारी. दिस इज, ये भी ज़्यादा बड़ा कुंड नहीं है. यहाँ भी आप जा सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो आसपास के विलेज के. यहाँ के 10 किलोमीटर है यहाँ मुंशियारी से. नारायण आश्रम, नारायण स्वामी के जो नारायण स्वामी आश्रम भी विजिट कर सकते हो. मतलब ये साइज इन्होंने इस्टेब्लिश करा था मुंशियारी को. मतलब यहाँ के लोग बहुत मानते हैं नारायण स्वामी मतलब अब तो डेथ हो गई उनकी, उनका आश्रम है. ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, लास्ट और आखिरी ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, वन ऑफ द ब्यूटीफुल म्यूजियम इन मुंशियारी. एक ही म्यूजियम है, आप जाके वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो ट्राइबल की चीज़ें क्या क्या होती है. ट्राइबल लोगों की चीज़ें. ओके, जय हिंद जय भारत. अच्छी लगी तो शेयर करना फैमिली के साथ एंड फ्रेंडों के साथ, और लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो, और शेयर भी जरूर कर दिया करो, सब्सक्राइब भी. आपको मिलते हैं अब सीधे रात को. अभी मैं जाऊँगा खेलने, और इंजॉय करो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और पीस में रहो, और सबकी हेल्प करो. जय हिंद जय भारत.